मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हम लोग आपके सामने एक ऐसे युवक का मामला लेके आए हैं जो कि शादी में पहुंचा लहंगा चोली पहन के, बाल लगाकर, सज धज कर। आखिरकार उसका खुला कैसे राज चली हम आपको बताते हैं पूरी लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्या आप लोगों ने कभी अपनी आंखों से ऐसा मंजर देखा है किसी शादी में, तो हमें अपना जो एक्सपीरियंस है वो जरूर बताइए। कैसे उसको पकड़ा गया था, कैसे उसको हैंडल किया गया था, ये जो पूरा मामला उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद से हमारे सामने आ रहा है, जहां पर एक शादी रखी गई थी और उस दौरान ही सब चीजें राजी खुशी चल रहा था। इस दौरान ही आप लोग को पता है कि महिलाएं जो है वो काफी ज्यादा सज-धज की आती हैं शादियों में। एक महिला भी वहां पर काफी ज्यादा सज-धज की आई थी, नकली बाल लगाए हुए थे, कांटे लगाए हुए थे और लहंगा चोली पहना हुआ था। और उस दौरान ही वो जो महिला थी, जो कि महिला के जैसा दिख रहा जो मर्द था, वो एक्चुअली में महिलाओं के बीच में जाके बैठ गया और वहां पर महिलाओं के साथ काफी अजीब अजीब सी बातें लड़की के आवाज में करने लग गया। वहां पर महिलाओं को कुछ इसके ऊपर डाउट हुआ कि ये महिला तो नहीं लग रही है, ये काफी अजीब बातें कर रहा है। और उस दौरान ही एक महिला ने उसके सर पे हाथ रखा, जिसके कारण उसका जो सर के बाल थे वो नीचे गिर गए और वहां पर हंगामा शुरू हो गया। हंगामा शुरू होने के कारण काफी सारे लोगों ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बीच में काफी सारे वहां पर बातचीत करने लगे। इसी बीच में दो बाइक सवार आए और ये जो एक्चुअली में लड़की बनाया लड़का था वो बाइक पे बैठ के वहां से फरार हो गया। अभी बताया जा रहा है कि पुलिस वालों को इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई है और इस लड़की के बारे में कुछ भी अभी तक पता नहीं चला। आखिरकार वो लड़का ऐसे भेष में वहां पर आया तो आया क्यों था? क्या आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया है कि आखिरकार ये लड़का वहां पर शादी में लड़की के गेटअप में लड़कियों के बीच में बैठ के कर क्या रहा था, क्या था उसका मकसद? क्या आप लोगों को पता है? हमें अपने विचार जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।